सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि द्वारा योग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज, मैं हूं शहजादी प्रवीण। भागलपुर सुल्तानगंज के पुरानी दुर्गा स्थान के गायत्री मंदिर के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ योग शिक्षक हरिद्वार प्रशिक्षित त्रिवेणी शर्मा ने किया। इस योग कार्यक्रम में अब्जुगंज सुल्तानगंज नगर परिषद के विभिन्न जगहों के लोग पहुंचकर योग कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उस दौरान एनडीए नेता संजय चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा योग कार्यक्रम का शुभारंभ होने से आज के दिन पूरे विश्व में योग दिवस मनाते इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए सभी प्रतिदिन योग करने की बात कही, जिससे आपका जीवन सुखी रहे। साथ ही डॉक्टर अलका चौधरी ने भी सभी महिलाओं को योग करने का संदेश दिया, जिससे आपका जीवन खुशहाल हो सके। इस दौरान योग में भाग लिए वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, विकास कुमार कर्ण, गौतम सिन्हा, मंटू कुमार, दिलीप गुप्ता, पतंजलि जिला अध्यक्ष अजीत यादव, योग शिक्षिका अंजना देवी, रेणु सिन्हा सहित कई लोग और भी मौजूद थे। भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी महिला टीम ने यहाँ गायत्री मंदिर में आकर योगा किया है और हम लोग सभी महिला टीम के तरफ से यही संदेश है कि योग करिए, स्वस्थ जीवन जिए। योग करने से कोई भी शरीर में रोग नहीं होगा, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के लिए यह स्वाभिमान और अभिमान का चीज़ है कि हमारे मनुष्यों ने जो भारत का अनुपम भेंट पूरे विश्व को दिया है योग दर्शन के रूप में, वह आज मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे दुनिया में इसे स्थापित करने का काम किया है और इस ये जगत कल्याण के लिए यह काम है। मनुष्य जब स्वस्थ रहेंगे तभी वह उनकी मानसिक जो है स्वच्छता का प्रमाण मिलेगा कि समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा, मनुष्य अच्छे सोच के साथ उत्पन्न होगा। आज विकृति इतनी फैल गई है कि उसके लिए योगा को अपनाना, जीवन में आत्मसात करना बिल्कुल अति आवश्यक हो गया, क्योंकि योग से मनुष्य का जीवन दर्शन बहुत विशाल और बृहद हो जाता है और मनुष्य एक अच्छी सोच के साथ दुनिया को एक अच्छा संदेश देने के लिए आतुर रहते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं उनका कि उन्होंने विश्व में योग को स्थापित करने के लिए आज यह दिन 21 जून को चुना और संपूर्ण विश्व आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। संजय कुमार चौधरी, क्षेत्रीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी।